नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हमने यहां पर जो है पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ईपीएफओ की तरफ से यहां पर जो है केवाईसी अपडेशन को लेकर ईपीएफओ को यूएनए अकाउंट में जो है अपनी प्रोफाइल अपडेट करने को लेकर यहाँ पर जो है एक नया ऑप्शन आया है। तो वहाँ पर किस तरह से जो है प्रोफाइल में अपनी फ़ोटो अपडेट करना है, यहाँ पर ईपीएफओ ने उसके अकॉर्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं जिनको फॉलो करते हुए जो है यहाँ पर हमें जो है हमारी प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर जो है अपलोड करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आज का हमारा वीडियो है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाले बेल के आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इसी तरह के नए फ्रेश अपडेटिंग वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर employeekhabar.com पर जो है हमने एक पोस्ट बनाकर जो है इसकी सारी जानकारी, हालांकि यहाँ पर बेसिक सारी जानकारी यहाँ पर लिखती है, यहाँ से जो है आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़कर भी जो है इसे जो है अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं क्या क्या इसके जो है नियम है और किस तरह से जो है यह प्रोफाइल फ़ोटो जो है हमें अपलोड करनी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आज के इस जो है पोस्ट में हमने यहाँ पर लिख दी है। तो चलिए इसके जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एक बार हम देख लेते हैं। तो ये भी जो फ़ोटो अब जो हमें बनानी है ये जो है एक डिजिटल कैमरे से खींची हुई फ़ोटो होना चाहिए। डिजिटल कैमरा, आजकल मोबाइल में भी डिजिटल कैमरे आते हैं, तो मोबाइल या DSLR से खींची हुई फ़ोटो यहाँ पर चल जाएगी। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, मतलब चौड़ाई इसकी जो है 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फ़ोटो आप जो है यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसमें कम से कम 80% जो है आपका चेहरा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और जो फ़ोटो अपलोड करने हैं वह जो है .jpg, .jpeg या .png फॉर्मेट में होनी चाहिए। बाकी आगे जो इंस्ट्रक्शन है ये जो है हम यहाँ पर लाइव करके यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल में जाते हैं, गूगल में हमें टाइप करते हैं EPFO और जो है EPFO करके इंटर करते हैं। तो यहाँ पर EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट EPFOIndia.gov.in ओपन होती है। यहाँ पर जो है KYC अपडेशन वाले जो है ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से जो है हमें इसमें अपने UNA में लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर जो है आपको अपने 12 अंकों का जो UNA नंबर होता है वो यहाँ पर आपको जो है डाल देना है, साथ ही यहाँ पर जो है पासवर्ड आपको अपना डाल देना है। तो मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। साथ में ये जो कैप्चा है कैप्चा भी यहाँ पर आपको डालना है। कैप्चा में भी यहाँ पर जो है परिवर्तन हो गया है, पहले जो है यह एक जो है स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में डालो चल जाता था, अभी जो है कैपिटल लेटर जो कैपिटल है उसे कैपिटल ही डालना है और जो स्मॉल लेटर स्मॉल है उसे स्मॉल में ही यहाँ पर जो है आपको डालना है। और इस तरह से जो है अपना UNA नंबर पासवर्ड डाल के जो है आप यहाँ पर जो है लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से जो है आपका जो प्रोफाइल का जो आपकी सारी जानकारी बेसिक होती है वो जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी, क्या क्या वेरीफाइड है नहीं है, KYC अपडेशन की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो है आप व्यू नाम का जो मेनू यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मेनू देख रहे होंगे, व्यू मेन्यू में जो पहला प्रोफाइल फोटो है इसमें प्रोफाइल वाले ऑप्शन, अब जैसे ही अपनी प्रोफाइल में यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जो है एक खाली जो है ब्लैंक यहाँ पर फ़ोटो दिखेगी, कोई भी फ़ोटो यहाँ पर डला हुआ नहीं रहेगा। वहाँ पर नीचे जो है अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन लिखा हुआ है जो कि हल्का ब्लू कलर में है, इस पर जो है हमें यहाँ पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में ये जो है हमें जो है इसके अंदर एंटर कराएगा। यहाँ पर वही इंस्ट्रक्शन जो है सारे लिखे हुए हैं जो कि हमने ऊपर अभी जो है यहाँ पर हमारी वेबसाइट employeekhabar.com पर पढ़े कि आपको डिजिटल कैमरा से जो है फ़ोटो खींची हुई होनी चाहिए, फ़ोटो का साइज़ 3.5x4.5 होना चाहिए, साथ ही जो है आप जो है यहाँ पर JPG, PNG या JPEG फॉर्मेट में ही यहाँ पर जो है फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। जो फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसमें कम से कम 80% जो है आपका फेस जो है क्लियर समझ में आना चाहिए। इस तरह के यहाँ पर जो है ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप जो है देख पा रहे होंगे। जब यहाँ इंटर आप करेंगे तो यहाँ पर भी जो है आप इन्हें जो है स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। अब जो है यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये जो अपलोड बटन है इस पर जो है क्लिक कीजिए। अपलोड बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है ये यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको मोबाइल में ले जाएगा, मैं फ़िलहाल कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो कंप्यूटर में जो है यहाँ पर फोल्डर ला दिया है। अब ये जो फ़ोटो जो है किस तरह से बनानी है ये भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि साइज़ में फ़ोटो होनी चाहिए और जो .png या .jpg है उसमें जो है कैसे इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक न्यू फ़ोटो का ऑप्शन मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इसमें जो सेंटीमीटर में मांगा है तो पहले साइज़ यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटीमीटर का, और 3.5 की जो है विड्थ है तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3.5 और जो हाइट है इसकी 4.5 की है तो 4.5 की हाइट लिख कर इस पर डन क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर उस साइज़ का जो है एक
ब्लैंक बैकग्राउंड यहाँ पर जो है आ चुका है। अब इसमें जो है जो भी फ़ोटो मुझे यहाँ पर UNA के अकाउंट में लगानी है वो वाली फ़ोटो जो है मैं यहाँ पर जो है ले आऊँगा। जैसे मैंने जो है ये फ़ोटो एक सेलेक्ट कर ली है, तो इस फ़ोटो को जो है मैं इस साइज़ में यहाँ पर जो है इसे इस साइज़ में जो है फ़िट करना है। नॉर्मल तौर पर मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो जो है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर की ही हाइट की होती है। इन्हें जो है ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ कुछ मोबाइलों जिनका डिस्प्ले साइज़ जो है अलग होता है उसी का जो है यहाँ पर जो है उनको जो है एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो है नॉर्मल मोबाइलों में जो है ये साइज़ जो है सेम ही आता है। तो इस तरह से यह जो है फ़ोटो सेट हो गई है। अब जो है मैं इसे यहाँ पर सेव कर देता हूँ, और सेव करते समय हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इसका जो फॉर्मेट है वो जो है JPEG, PNG या JPG रखना है, तीन में से कोई रखना है। तो मैं यहाँ पर JPEG रख के जो है मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो सेव की हुई फ़ोटो है उसे यहाँ पर जो है ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो कि इस तरह से जो है यहाँ पर बता रहा है मेरी फ़ोटो जो है यहाँ पर लग चुकी है। अब जो है यहाँ पर फ़ोटो लगने के बाद में हमें जो है इसको चेक कर लेना है कि इसे कि जो है हम यहाँ से जो है इसका फ़ोटो को यहाँ पर साइज़ जो है थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि बड़ा रखने में हमारा फेस तो नहीं दब रहा है, फेस नहीं दबना चाहिए। तो जैसे ही जो फ़ोटो आई है हम उसी को जो है यहाँ पर रख लेते हैं। इसका जो है एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि जो है ये फ़ोटो हमने यहाँ पर लगाई है ये सही लगी है या नहीं लगी है। तो यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद इस साइड में जो है दिखा रहा है कि इस तरह से आपके फ़ोटो जो है प्रोफाइल पर अपलोड होने के बाद में दिखाएगी। तो ठीक है, हमें जो है सब कुछ ठीक है, तो ओके बटन पर हम क्लिक करते हैं और हमारी फ़ोटो जो है यहाँ पर जो है लगकर तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटो पर तैयार हो गई है। अब जो है यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जो है हमारी प्रोफाइल फ़ोटो पर जहाँ पर हमें जो है UNA के पोर्टल अकाउंट में हमें फ़ोटो अपलोड करनी थी वहाँ फ़ोटो अपलोड हो गई है। एक बार रिफ्रेश करके इसे देख लेते हैं कि जो है यह यहाँ पर लगी है या कोई एरर तो नहीं आ रहा है इसमें। तो रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पर हमें देखते हैं तो हमारी फ़ोटो जो है कंप्लीट यहाँ पर जो है लग चुकी है। तो दोस्तों भाई यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।